सब्सक्राइब कीजिए फिजिक्स रैंडम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जनरल साइंस के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन इज अवेलेबल फॉर प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ। पौधों के लिए नाइट्रोजन उपलब्ध होता है किस फॉर्म में? इसका आंसर है नाइट्रेट, सिंबल होता है NO3। ये नाइट्रोजन की एक फॉर्म होती है जिसका मोस्टली जो यूज़ किया जाता है प्लांट्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट के, प्लांट पौधों के विकास में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो प्लांट्स हैं उनको नाइट्रोजन कहाँ से मिलती है? सॉइल, मतलब कि जो उनकी रूट्स में जो मिट्टी होती है वहाँ से, और या फिर उनको एयर से डायरेक्टली नाइट्रोजन प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा जो अर्थ में, अर्थ एटमॉस्फेयर में 78% ऑफ नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, ठीक है। इनमें से जो आपका आंसर है नाइट्रेट NO3, इसके अलावा भी इन पॉइंट्स में से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एसिड रेन डिस्ट्रॉय वेजिटेशन बिकॉज इट कंटेन्स। अम्ल वर्षा वनस्पतियों को नष्ट करता है क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। एसिड रेन से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन लास्ट वीडियो में भी बताया था, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4। एसिड रेन में क्या होता है, जो केमिकल आते हैं वो कहाँ से आते हैं? बेसिकली इंडस्ट्री वेस्ट से आते हैं, ठीक है। फैक्ट्री एरिया जहाँ होते हैं वहाँ का जो वेस्ट है फैक्ट्री से जो निकलता है उसमें से दो इम्पॉर्टेंट ऑक्साइड्स आते हैं। फर्स्ट तो है सल्फर डाइऑक्साइड और सेकेंड है नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये जब एयर में मिक्स हो जाते हैं और इनका अमाउंट बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो जाता है, तो जो हमारे वातावरण में ऑक्सीजन पाई जाती है उसके साथ में रिएक्ट करके ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, जो कि हमारी फील्ड खेतों को और फसलों को भी नुकसान देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब रबी एंड खरीफ क्रॉप्स दो टाइप की क्रॉप्स हैं। एक्चुअल में होता ये है कि जो क्रॉप्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास हर सीजन में ग्रो होती हैं, लेकिन हर एक क्रॉप के लिए, हर एक फसल को उगाने के लिए सेम टाइप का आपको क्लाइमेट, तापमान नहीं चाहिए होता है। वातावरण अलग अलग टाइप से आपको उसको एडजस्ट करना पड़ता है। कुछ फसलें होती हैं जो ठंड में उगती हैं, कुछ गर्मियों में उगती हैं, कुछ के लिए पानी कम चाहिए होता है, कुछ के लिए बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो इस टाइप से हर एक क्रॉप के लिए अलग अलग टाइप की क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए होती हैं, जिसकी वजह से हमारे इंडिया में जो क्रॉप्स हैं उनको ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट है रबी क्रॉप, सेकेंड वन इज खरीफ क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स, इन पे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो प्लीज़ इसको अच्छे से क्लियर कीजिएगा। रबी क्रॉप्स कौन सी होती है? विंटर क्रॉप्स, मतलब ये सर्दियों वाली फसल होती है। इनका जो सीजन होता है वो बेसिकली स्टार्ट होता है नवंबर से और इसको काटा कब जाता है? मार्च या फिर अप्रैल में। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं वीट, गेहूँ और सरसों, बार्ले, ग्रीन पी एक्सेट्रा, ठीक है। जौ और मटर, सरसों, गेहूं, इस टाइप की जो कुछ क्रॉप्स होती हैं इनको हम रबी क्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्रॉप आती है खरीफ क्रॉप्स। खरीफ जो होती हैं वो मॉनसून क्रॉप्स होती हैं। इनका जो टाइम है वो सितंबर से अक्टूबर का होता है। इसके अलावा जो खरीफ सीजन है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, जो खरीफ क्रॉप्स होती हैं इनको बेसिकली जो स्टार्ट किया जाता है वो जून से नवंबर के मंथ में, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट एरिया में इंडिया में डिपेंड करता है। और इसके कुछ एग्जांपल जो हैं वो है राइस, बाजरा, ग्राउंडनट, कॉटन एक्सेट्रा। तो ये दो टाइप्स की क्रॉप है, रबी एंड खरीफ क्रॉप्स। इसमें जो क्वेश्चन है आपसे सीजन पूछा जा सकता है कौन से मौसम में इनको उगाया जाता है, या फिर आपको एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं कि खरीफ क्रॉप के कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं, रबी क्रॉप के कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं, या फिर इनको हार्वेस्ट कौन से टाइम पर किया जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको पॉइंट में आप लिख लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन होता है? तो क्वेश्चन के नाम में ही पता चल रहा है आपको, इसका आंसर है एल्गी, इसे शैवाल कहते हैं। ये जो स्टडी है इसको एल्गोलॉजी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, अभी हमने इतना पढ़ा है, जो मैंने प्लांट्स वाली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था, और हम सब जानते हैं कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, हरे पौधे, वो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की सहायता से अपना खाना खुद से बनाते हैं। तो जो एल्गी है, शैवाल है, इसमें भी बहुत सारे पौधे
पौधे ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना फूड खुद से बनाते हैं, जिसे हम ऑटोट्रॉफ्स मतलब कि स्वपोषी कहते हैं। अब जो एल्गी है उसमें एक कोशिक भी हो सकते हैं और बहुकोशिक भी हो सकते हैं, लेकिन इनके जो पौधे होते हैं इनमें स्पेशलिटी ये होती है कि इनमें नॉर्मल प्लांट्स की तरह रूट्स और लीव्स नहीं पाई जाती, जड़ और पत्तियाँ नहीं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन एस वर्ल्ड एड्स डे, किस दिन को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? आंसर है 1 दिसंबर। इसके अलावा एड्स और HIV की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जाती है। एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। इस और इस फुल फॉर्म के अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो एड्स है वो एक वायरस विषाणु के द्वारा होता है, और HIV की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेरेट इज द यूनिट ऑफ, फेरेट किसकी इकाई है? इसका आंसर है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस मतलब कि धारिता की यूनिट है फेरेट, ठीक है। कैपेसिटेंस होता क्या है? ये एक एबिलिटी होती है किसी भी सर्किट की या किसी कंपोनेंट की जो एनर्जी स्टोर फॉर्म मतलब जो विद्युत आवेश होता है उसकी फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट में मौजूद नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत होता है? तो इसका आंसर है 27%, ठीक है। अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? NH4 2SO4। ये एक हमारा इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है और इसका यूज किस में किया जाता है? सॉइल फर्टिलाइजर के लिए, मतलब मिट्टी को उर्वरकता प्रदान करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन इज द इनर्ट गैस विच इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर नाइट्रोजन इन द एयर यूज बाय द डीप सी डाइवर्स फॉर ब्रीदिंग, अक्रिय गैस जो गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए नाइट्रोजन के स्थान पर प्रयोग की जाती है वो क्या है? तो इसका आंसर है हीलियम। जो डीप सी डाइवर्स होते हैं, गोताखोर होते हैं, गहरे पानी में जो जाते हैं, उनके लिए गैस का यूज़ किया जाता है जिसको ट्रिमिक्स कहते हैं। ये इस गैस का यूज़ वो लोग सांस लेने के लिए करते हैं। इसके अंदर ऑक्सीजन, हीलियम और नाइट्रोजन होती है। जब ऑक्सीजन, हीलियम और नाइट्रोजन तीनों इसमें प्रेजेंट होती हैं तो इस गैस को ट्रिमिक्स गैस कहते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर उसमें से नाइट्रोजन को कम कर दिया जाए या फिर हटा दिया जाए, मतलब कि 0% नाइट्रोजन अगर उस गैस में हो, तो उसमें दो ही टाइप की गैसेस बचेंगी, हीलियम प्लस ऑक्सीजन। तो हीलियम और ऑक्सीजन के उस मिक्सचर को, गैस को आप बोलेंगे हीलियक्स। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आए थे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो हमसे कमेंट करके पूछिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।